हर दोस्तों, मेरा नाम है अजय। दोस्तों आज मेरे पास है एक आईफोन 11। दोस्तों ये फ़ोन हमें कस्टमर ने भेजा है कर्नाटका से। तो दोस्तों इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से दोस्तों कस्टमर ने मुझे भेजा है इसकी स्क्रीन को बदलने के लिए। दोस्तों चलिए हम इसकी स्क्रीन को रिप्लेस करेंगे और दोस्तों मुझे इसमें ओरिजिनल स्क्रीन जो है कि इसमें रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे स्क्रीन को लगाई जाती है मैं आपको बताता हूँ, कैसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ओके दोस्तों, पहले इस फ़ोन को जो है कि आराम से आपको खोल लेना है। दोस्तों डेड फोन जो बंद होते हैं, डिस्प्ले ख़राब होती है, आप जैसे मर्जी उनको खोल सकते हो, ठीक है, लेकिन दोस्तों कोई केबल डैमेज ना हो। ओके तो चलिए दोस्तों मैं पूरा के फ़ोन जो है कि प्लेटें वगैरह निकाल देता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ से मैंने प्लेटें निकाल दी हैं और ये फ्लैक्स केबलें हैं जो फेस आईडी का पत्ता और डिस्प्ले टच का होता है, ठीक है। दोस्तों अगर फेस आईडी का पत्ता जो होता है वो बड़े आराम से निकालना, क्योंकि फेस वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, वरना फेस आईडी बदल सकती है, ठीक है। चलिए दोस्तों पहले मैं इसका स्क्रू जो है कि इसको खोल लेता हूँ। ओके दोस्तों यहाँ से जो है कि बड़े आराम से ही जो कि जो पार्ट्स हैं वो निकालने हैं। और दोस्तों देखिए ये जो डिस्प्ले है, ये आईफोन 11 की जो ओरिजिनल डिस्प्ले है, दोस्तों हमारे पास भी अवेलेबल है, तो आपको बड़े आराम से हमारे पास मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी हमारी अवेलेबल नहीं है, आप अगर आप इंडिया में कहीं भी हो आपको ये डिलीवर हो जाएगी और 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा और आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। ओके दोस्तों, और दोस्तों देखिए इस डिस्प्ले को निकालने के लिए आपको पहले इसका फेस आईडी का स्पीकर पत्ता होता है, पहले वो निकाल लेते हैं। ओके तो दोस्तों यहाँ के जो फेस आईडी का पत्ता है ये आपको बड़े आराम से निकालना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर सेंसर पे टूट गया तो ये फेस आईडी को डिटेक्ट नहीं करेगा। ओके तो बड़े आराम से लगाना है। चलिए यहाँ के जो स्क्रू है वो सारे के सारे जो है कि स्क्रू फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसका स्क्रू लगाता हूँ सारे सारे। और दोस्तों ये काम जो है बड़े आराम से करना है। और बाकी देखिए ट्रू टोन को जो है कि मैं साथ साथ डाल देता हूँ, तो ट्रू टोन भी दोस्तों डालना ज़रूरी होता है ताकि कोई फीचर्स मिस ना हो जाए। तो चलिए यहाँ से इसको रीड करता हूँ। ओके ये डाटा जो है कॉपी कर देता हूँ इस डिस्प्ले का, फिर बाकी जो न्यू डिस्प्ले है उसमें हम रीड राइट करेंगे। ओके ये हो गया। और दोस्तों ये है नया डिस्प्ले, चलिए इसमें ट्रू टोन को जो है रीड करते हैं दोबारा, ठीक है। यहाँ से इसको लगा देना है। ओके अब यहाँ से करते हैं इसको राइट। तो दोस्तों जो भी डेटा है इसका, जो डिस्प्ले का जो होता है टच का और जो ट्रू टोन का होता है क्वालिटी का, कलर क्वालिटी का, वो इसमें जो है कि रीड हो जाएगा और जो है कि ये ओरिजिनल जैसी सब कुछ इसमें होगा। ओके तो यहाँ से इसको निकाल देते हैं। चलो ठीक है, थ्रू टोन भी डल गया है। चलिए अब इसकी डिस्प्ले है वो उसको लगाता हूँ, टच के फ्लैक्स और डिस्प्ले के फ्लैक्स लगा दिया। इसके बाद दोस्तों जो है कि ये प्लेटें हैं सारी फिक्स कर लेता हूँ प्लेटें। ओके दोस्तों सारे के सारे स्क्रू जो हैं लगा दे रहे हैं, आपको कोई मिस नहीं करना। यहाँ से इसको करता हूँ मैं ऑन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हो रहा है ये ऑन, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है। तो देखिए दोस्तों ऑन हो गया है ऑन, और मैंने इसको अच्छे से यहाँ से कर दिया है दोस्तों पैक, क्योंकि फिटिंग वगैरह में कोई इशू नहीं है, फिटिंग वगैरह भी बिल्कुल ही अच्छी है, कोई गैप वगैरह नहीं है। और दोस्तों देखिए आप दिखाता हूँ चेक करके, तो दोस्तों क्वालिटी जो है कि ठीक है, ओरिजिनल इसकी क्वालिटी है, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि लोकल हो। देखिए थ्रू टोन भी वर्क कर रहा है, वाइट हो गया और यहाँ से देखिए येलो हो गया, ठीक है। दोस्तों ट्रू टोन भी वर्क कर रहा है, तो लेकिन दोस्तों कॉपी जो डिस्प्ले होती है एलसीडी टाइप की जो आईपीएस, उसमें ट्रू टोन कभी कभी वर्क नहीं करता, लेकिन ओरिजिनल में करता है। दोस्तों क्वालिटी जो है कि देखिए बिल्कुल ही दाएं बाएं दिखा दूँ आपको, एक ही क्वालिटी है, वाइट की वाइट, कोई ब्लू या फिर ज़्यादा नीली वाइट नहीं हो रही, ठीक है। तो सेम क्वालिटी दोस्तों है। तो ये है इसकी डिस्प्ले। दोस्तों देखा किस तरह से मैंने इसकी डिस्प्ले को जो है कि रिप्लेस किया। तो दोस्तों बड़े आराम से ये डिस्प्ले को लगा सकते हो, क्वालिटी वगैरह जो है कि मैंने आपको दिखा दी है कैसी होती है ओरिजिनल क्वालिटी की। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, दिखाया कि आईफोन 11 की जो स्क्रीन है मैंने कैसे चेंज करी है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।